नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सोलर के डिस्कशन में। तो आज मार्च का महीना है और मार्च के महीने में क्या सोलर का नया अपडेट है। तो सोलर में जैसा कि पूरे साल में सोलर को लेके बहुत सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को लेके हम वीडियो बनाए हैं और उसमें इस महीना क्यों खास रहता है वो जानना आपको सबसे बड़ा ज़रूरी है। मार्च जो होता है क्लोजिंग ईयर होता है हर बिजनेस के लिए और बिजनेस का जो टैक्स रिटर्न फाइल जो होता है वह इसी महीने के लास्ट क्लोजिंग तक सबमिट होता है। तो सरकार जो बिजनेस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को सिंपल डिफिनेशन में समझे तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं जिनके पास GST और कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर CIN नंबर या जो भी डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का वो जिनके पास है वह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको कम्युनिटी बोलते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड इंटरप्राइज। जैसा कि आज के दिन में पूरे देश में MSME को बढ़ावा देने के लिए हर सेक्टर में उनको एक सपोर्ट दिया जाता है सरकार के साइड से भी, प्लस वो कहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें से जो बिजनेस का जो 30% जो नंबर ऑनलाइन में आपको देखने को मिलता है कि कोई भी बिजनेस यदि चलाते हैं तो उसको 30% बिजनेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर खर्च करना पड़ता है। अब उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर जो हम खर्च कर रहे हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो उसका दो तरीका है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नंबर वन, यदि वैसे बिजनेस ओनर जो अपने खुद के लैंड पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या ऑफिस चला रहे हैं, वह खुद का सोलर पावर प्लांट लगा के वो अपना बिजली बिल जितना हो सके, आज के दिन में यदि उनके पास सोलर नहीं है तो वह 100% ग्रिड पर अब डिपेंड हैं या जनरेटर पर डिपेंड हैं, और यदि वो सोलर लगवा लेते हैं तो उनका कम से कम 30-50 मैक्सिमम 80% तक बिजली का जो डिमांड है, ये जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वह कम हो जाएगा। तो नंबर वन कि आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में सोलर के बारे में सोच सकते हैं। नंबर टू कि जिनके पास MSME में जो हम क्लोजली कनेक्ट रहते हैं MSME कम्युनिटी के साथ, तो उनके साथ जो एक जो चैलेंजेज है कि उनके खुद के लैंड पर अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि सोलर एक ऐसा एसेट्स है जिसका आप एक बार लगा दिए और दूसरे मशीनरी की तरह आप चाहेंगे कि हम इसको रीसेल करें तो आज के दिन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक बार लगा दी इन्वेस्टमेंट, हम नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस डाउन हो गया या चेंज कर लिए तो हम इस प्लांट को बेचना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये सोलर का रीसेल वाले में अभी दिक्कत आ रही है। यदि आप करते हैं कि सोलर का रीसेल के बारे में सोच रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन, आप पहला वाला ऑप्शन आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो इंडिया में चलता है ओपन एक्सेस सोलर मॉडल। इसके बारे में हम कुछ पिछले वीडियो में भी बात किए थे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी प्रैक्टिकल लेवल पर पॉसिबल नहीं हो पाया है कि यदि हम अपने खुद के लिए इम्प्लीमेंट करने जाएं तो कैसे होगा, कौन करके देगा, क्या इसकी प्रोसीजर होती है, तो ये आज के दिन में पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं कि यदि हो जाएगा तो जो हम अपने यहाँ पर अपने ऑफिस के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो भी बिजली हम खरीद रहे हैं वह सरकारी बिजली विभाग से करीबन 8-9 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद रहे हैं। यदि हम ओपन एक्सेस मॉडल के थ्रू हम चले जाएंगे तो वह सीधा 50% 40% 60% हमारा बिजली का पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। डेट विल बी अ फिजिबल कि हम बिना सोलर लगाए हुए हम अपना बिजली बिल का यूनिट कम कर लिए, बिजली बिल का खर्च कम कर लिए। तो ये इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं, हम भी पता कर रहे हैं। यदि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएगा हम लगवा लेंगे, तो इसके प्रोसीजर भी हम आप लोग के साथ जरूर शेयर करें।
और इसमें जो वीडियो में जो आपको बताने का खास ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्च महीना में सोलर पर गवर्नमेंट बोलती है कि आप सोलर एक ऐसा एसेट्स है जिसकी लाइफ 25 इयर्स की है, तो आप सोलर पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हम एवरी ईयर 40% टैक्स में हम बेनिफिट्स देंगे। जैसे आप मशीनरी पर पैसा खर्च करते हैं तो आपको टैक्स का बेनिफिट्स मिलता है, और जो भी एक्सपेंस करते हैं वो टैक्स का बेनिफिट्स मिलता है। तो इसका आपका डिस्कशन ऑनलाइन में बहुत कम आपको मिलता है कि आप टैक्स का बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं। तो ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है सोलर को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वो वीडियो आप उन सभी बिजनेस ओनर के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस महीने अपना टैक्स रिटर्न फाइल विदाउट सोलर वो भरने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो ऐसे वीडियो हम एक आपको लिए बनाते रहेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकेगा कि हाँ सोलर में और भी थ्योरेटिकल पॉसिबल क्या हो सकती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।